ए ट्वेंटी वन एस जो हाल ही में कंपनी ने लॉन्च किया है इसमें दो वेरियंट्स अवेलेबल हैं एक फोर जी बी रैम विथ सिक्सटी फोर जी बी इंटरनल मेमरी और एक सिक्स जी बी रैम विध सिक्सटी फोर जी बी इंटरनल मेमरी और इसकी कीमत जो है सिक्सटीन थाउजेंड फोर नाइन्टी नाइन से स्टार्ट होती है हालांकि इसमें जो इंटरनल मेमोरी है कंपनी ने बहुत कम दी है सिक्सटी फोर जी बी इंटरनल मेमरी दी है बट तो इसे कॉम्पनसेट करने के लिए कंपनी ने इसमें रियर में फोटी एट मेगा पिक्सल का कॉर्ड कैमरा सेटअप दिया है आज का ये जो वीडियो है सैमसंग ए ट्वेंटी वन का रिव्यू वीडियो है और इसमें हम देखेंगे कि ये जो 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है वो वाकई में अच्छा है या नॉर्मल सा कैमरा दिया हुआ है और इसके अलावा कंपनी ने एज़ कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटेटिव फ़ोन्स जो सैमसंग के हैं उसमें क्या फ़ीचर्स कम दिए हैं या ज़्यादा दिए हैं वो भी देखेंगे लेट्स विद द रिव्यू ऑफ सैमसंग गैलेक्सी ए ट्वेंटी वन एस डिजाइन वाइज देखें तो इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले और थिन बेजल्स के कारण ये बहुत ही प्रीमियम लगता है पीछे की ओर यहाँ आप देख सकते हो कि कर्व एजेस दिए हैं जिसके कारण इसे आप कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हो इसका वजन थोड़ा ज्यादा है 192 ग्राम्स है बट दिखता स्लीक है यहाँ इसका ईयर स्पीकर प्लेस्ड है और ये है पंच होल कैमरा प्लास्टिक पैक दिया है बट ग्लास फिनिश का लगता है बिकॉज ऑफ द्री डी होलोग्राम इफेक्ट यहाँ पे आपको कॉर्ड कैमरा सेटअप मिलता है विथ फ्लैश लाइट और ये है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर लेफ्ट में सिम ट्रे प्लेसड है ऊपर की ओर नॉइस कैंसिलेशन माइक दिया है नीचे आपको मिलता है थ्री पॉइंट फाइव एम एम जैक टाइप सी कनेक्टिविटी माइक एंड स्पीकर ग्रिल्स और ये जो स्पीकर है मोनो स्पीकर है स्टीरियो स्पीकर नहीं इसका जो फ्रेम है वो प्लास्टिक का है और राउंडेड कॉर्नर्स दिए हुए हैं ओवरऑल देखा जाए तो हैवी होने के बावजूद भी ये कंफर्टेबली आप होल्ड कर सकते हो हैंड में इसका डिज़ाइन मुझे बढ़िया लगा और इस्पेशली ये जो वाइट कलर है मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू दी अदर टू कलर्स ब्लू एंड ब्लैक बट इसका जो फ्रंट पंच होल कैमरा है वो बहुत ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करता है डिस्प्ले पे थोड़ा छोटा रहता तो बेहतर होता इसके साथ जो है आपको मिलता है यूज़र मैनुअल एडाप्टर विथ 15 वॉट्स चार्जिंग सपोर्ट टाइप सी डेटा केबल और सिम इजेक्टेड टूल बॉक्स में आपको ईयरफोन और कवर नहीं मिलता डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको 6.5 इंच एच डी प्लस इन्फिनी ओ डिस्प्ले मिलता है फुल एच डिस्प्ले दिया रहता तो बहुत ही बेहतर होता कंपनी ने यहाँ पे टी डिस्प्ले दिया है अनलाइक सुपर एमड डिस्प्ले जो ए वगैरह में मिलता है बट डिस्प्ले की क्लैरिटी बहुत ही अच्छी है काफ़ी ब्राइट है और आप इसे हर एंगल से व्यू कर सकते हो नोटिफिकेशन शेड के थ्रू आप डॉल्बी एटमॉस जो सिर्फ ईयरफोन में चलता है डार्क मोड और फोकस मोड को भी एनेबल कर सकते हो बट इस फोन में एन नहीं दिया एडेप्टिव ब्राइटनेस के कारण स्क्रीन जो है ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस एडजस्ट करती है अकॉर्डिंग टू दी लाइटिंग कंडीशन जिसके कारण आपकी बैटरी भी सेव होती है इस पर्टिकुलर मॉडल में दो वेरियंट्स अवेलेबल है एक फोर जी बी रैम विथ सिक्सटी फोर जी बी इंटरनल मेमरी और एक सिक्स जी बी रैम विथ सिक्सटी फोर जी बी इंटरनल और ये जो पर्टिकुलर फ़ोन है फोर जी बी रैम विथ सिक्सटी फोर जी बी इंटरनल मेमरी है और आउट ऑफ द बॉक्स आपको यहाँ फोर्टी एट जी बी मिलता है ये ड्यूअल सिम फोन है विथ सेपरेट स्लॉट फॉर मेमरी कार्ड विच कैन बी एक्सपेंडेबल अपन टू जी बी इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड टेन और वन यू आई टू पॉइंट वन मिलता है वन यू आई सैमसंग का बहुत ही नीट और क्लीन यूज़र इंटरफेस है बहुत से जो फीचर्स हैं कंपनी ने कम कर दिए हैं इसमें बट परफॉर्मेंस और कैमरा पे कंपनी ने फोकस किया इस डिवाइस को यहाँ आपको सैमसंग का एक्जनस 850 का चिपसेट मिलता है ये एक ऑक्टाकॉर प्रोसेसर है जिसमें आपको चार कोटेक्स ए फिफ्टी फाइव क्लॉक टेट टू गी गार्ड्स फॉर परफॉर्मेंस मिलता है और चार कॉटेक्स ए फिफ्टी फाइव क्लॉक टेट टू गी गार्ड्स फॉर एफिशेंसी मिलता है ग्राफिक्स के लिए आपको मिलता है माली जी का जी परफॉर्मेंस वाइज यहाँ लैगिंग इशू और हीटिंग इशू देखने नहीं मिला है इसका परफॉर्मेंस बहुत ही स्मूथ है मल्टी में भी लैग नहीं होता है ये फ़ोन हाई एंड ग्राफिक्स वाले गेम अगर आप खेल रहे हो तो वो स्मूदली चलते हैं जहाँ तक बैटरी का सवाल है तो एक चार्ज में विद नॉर्मल यूज़ आराम से डेढ़ दिन तक चलती है इसकी बैटरी अगर आपका ज़्यादा यूजेज है तो एक दिन आराम से चल जाएगी क्योंकि इसमें दिया हुआ है 5000 थाउजेंड का पावरफुल बैटरी और इसमें आपको 15 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी मिलता है बैटरी और परफॉर्मेंस वाइज ये फ़ोन आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत ही कन्वीनियंटली लोकेटेड है और सेट करने में कोई दिक्कत नहीं होती बहुत फास्ट सेट हो जाता है अनलॉकिंग स्पीड भी इसकी बहुत फास्ट है उसके अलावा इसमें फेस अनलॉक का भी ऑप्शन मिलता है आपको हालांकि ए ट्वेंटी वन एस में कॉर्निंग गोरीला ग्लास है या नहीं है वो कंपनी ने कहीं मैंशन नहीं किया है बट ज़्यादा करके फ़ोन्स जो रहते हैं उसमें टफन ग्लास ज़रूर दिया रहता है तो भले ही गोरेला ग्लास हो या ना हो इसमें टफ एंड ग्लास टफेड तो ग्लासूर है।, है ये water resistant phone है वाटर रेजिस्टेंट फोन नहीं और जहां तक डस्ट रेजिस्टेंट की बात है कंपनी ने कहीं मेंशन नहीं किया है कि ये डस्ट रेजिस्टेंट भी है कमिंग टू कैमरा आपको इसमें रियर में क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है विदर्टी एट मेगा पिक्सल का मेन सेंसर एप एच एर टू पॉइंट जीरो एट मेगा पिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर विद एप एच टू पॉइंट टू टू मेगा पिक्सल का माइक्रोलेंस विद अपपिक्चर टू पॉइंट फोर एंड टू मेगा पिक्सल का डेप्थ सेंसर विद एपिक्चर टू पॉइंट फोर सेल्फी कैमरा थर्टीन मेगा पिक्सल का है विद एपिक्चर टू पॉइंट टू और इसमें आपको फोर के वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है इसमें आप वन जीरो एट जीरो एट थर्टी फ्रेम्स पर सेकेंड तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो यहाँ मैंने कुछ फोटोज़ खींची हैं इस फोन से आप देख सकते हो कि फ़ोटोज़ जो है बहुत ही नेचुरल है और क्लैरिटी जो है इसकी काफ़ी अच्छी है जूम करने पर भी क्लैरिटी वैसे की वैसी ही रहती है और डिटेल्स काफी क्लियरली विजिबल है कलर कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन लेवल जो है एकदम प्रॉपर है और फोटोज एकदम परफेक्ट लेता है इसका कैमरा आपको कलर करेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मामूली से मामूली डिटेल्स को भी अगर आप जूम करके देखोगे तो ब्लर नजर नहीं आती ये फोटो डल और रेनी एनवायरनमेंट में खींची हुई है आप यहाँ पे भी देखोगे तो क्लैरिटी इसकी काफी अच्छी है जूम करने पे यहाँ इमेज जरा भी ब्लर नहीं होती है माइन्यूट डिटेल्स भी यहाँ पे दिखाई देती है जैसे कि आप ये देख रहे हो कि तार जो है वो क्लियरली विजिबल है सेम पोजीशन से मैंने यहाँ पे अल्ट्रा वाइड लेंस से फोटो खींची है यहाँ आपको एक ही फ्रेम में बहुत सारी बिल्डिंग्स दिखाई देंगी और यहाँ पे भी इसका परफॉर्मेंस अच्छा है विद प्रॉपर लेवल ऑफ कलर्स जूम करने पे बट ये थोड़ी सी हल्की ब्लर हो जाती है इमेज इस इमेज में आप देख सकते हो कि जो क्लाउड्स हैं और राइट साइड पर जो हल्की सी ब्लू स्काई नज़र आ रही है उनके कलर्स एकदम नेचुरल हैं और एक्सपोजर लेवल भी एकदम परफेक्ट है और डिटेल्स काफ़ी क्लियरली विजिबल है इस पिक्चर की क्वालिटी भी एकदम परफेक्ट है और एकदम नेचुरल है क्लोजअप से लिए हुए शॉट्स का रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ सेचुरेशन लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है बट सब्जेक्ट को परफेक्टली कैप्चर करता है और इस इमेज में आप देखोगे कि जो बैकग्राउंड है वो प्रॉपरली ब्लर हुआ है और सब्जेक्ट जो है वो फोकस में रहता है यहाँ मैंने एक दो इमेजेस और खींची हुई हैं इस फोन से जो बहुत ही बढ़िया आई हैं यहाँ आप देख सकते हो कि मिट्टी का कलर जो है वो ब्राउन कलर एकदम नेचुरल है और ये जो पर्टिकुलर फोटोग्राफ है वो लो लाइट में शाम के वक्त खींची हुई है फिर भी इसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी है और डिटेल्स जो है जूम करने में बिल्कुल भी लॉस नहीं होता सेल्फी कैमरा की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है शार्प है नेचुरल है और डिटेल्ड इमेज आपको यहाँ देखने मिलती है सैमसंग ए ट्वेंटी वन एस में सेल्फी पोर्ट्रेट मोड में यदि आपने मास्क पहन रखा है तो ये फेस रिकोगगनाइज़ करने में दिक्कत देता है बेहतर ये होगा कि आप मास्क के बिना फोटो खींचे क्योंकि कभी ये रिकोगनाइज करता है और कभी नहीं करता है बट यहाँ पोर्ट्रेट मोड में फ़ोन ने डिसअपॉइंट कर दिया क्योंकि कलर्स और सैचुरेशन लेवल्स तो इसके परफेक्ट हैं बट ये एजेस को प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं कर पाता है लो लाइट में खींची हुई फोटोज़ भी नेचुरल आती हैं थोड़ी सी अंडर एक्सपोज है बट इमेज की शार्पनेस और क्लैरिटी एकदम परफेक्ट है और यहाँ पे भी आप जूम करोगे तो डिटेल्स ज़रा भी लॉस नहीं होती नाइट में खींची हुई इसकी इमेज की क्वालिटी एकदम ओके okay है डिसेंट है ऑटोमेटिकली इसका लेंस हल्की सी लाइट जनरेट करता है और फोटो को ब्राइट कर देता है ए में नाइट साइट और स्लो मोशन का ऑप्शन नहीं दिया है मे बी नेक्स्ट अपडेट इसे अवेलेबल कर दिया जाए सैमसंग ए ट्वेंटी वन एस इज प्रोटेक्टेड विथ सैमसंग नॉक्स और सिर्फ सैमसंग ए ही नहीं ऑलमोस्ट ऑल सैमसंग फोन्स आर प्रोटेक्टेड विथ सैमसंग नॉक्स जो एक मल्टी लेयर सिक्योरिटी है which prevents the phone from malicious threats and मालवेयर तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें बहुत सारे फीचर्स कंपनी ने कम कर दिए जैसे कि इसमें सिक्सटी फोर जी बी इंटरनल मेमरी दी है एज़ कम्पेयर टू अदर फोन्स ऑफ सैमसंग जिसमें आपको वन ट्वेंटी एट जी बी इंटरनल मेमरी मिलती है फॉर दी सेम प्राइस बट इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि इसमें एक्सपेंडेबल मेमरी का भी ऑप्शन दिया है अप टू फाइव वन टू जी बी आप इसमें मेमरी कार्ड डाल सकते हो और आजकल तो बहुत सस्ते आते हैं मेमरी कार्ड और इसमें सुपर एम डिस्प्ले नहीं दिया है कंपनी ने सुपर एम डिस्प्ले की जगह पे टी डिस्प्ले दिया है बट टी डिस्प्ले की क्वालिटी बुरी नहीं है काफ़ी अच्छी है आप इसे हर एंगल से व्यू कर सकते हो इसका डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया दिया है कंपनी ने और ओवरऑल कंपनी ने फोकस किया है कैमरा परफॉर्मेंस और बैटरी पे इसका कैमरा बहुत बढ़िया है इसका रियर कैमरा काफ़ी अच्छा है और फ्रंट कैमरा भी बहुत अच्छा है बट फ्रंट कैमरा के पोर्ट्रेट इमेजेस में थोड़े से इशूज़ हैं जो शायद सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशूज़ हैं वो सॉल्व हो जाएंगे आगे चल के आपको क्या लगता है इस फ़ोन के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए